हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो यार आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 7 में शून्यकों की स्थिति, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, हम भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ये चैप्टर चल रहे हैं और इसमें आज हम लेक्चर नंबर 7 तक आ गए हैं। ठीक है, अगर आप नए हो तो जाके पिछले वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिए, आपको काफ़ी मजा आएगा इसमें। ठीक है, अब हम आज बात करेंगे भैया शून्यकों की स्थिति। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो इस टॉपिक का मतलब ही जान लेते हैं, क्या होगा, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे। तो देखिए, मैं आपको सीधा सीधा एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आपको बोला, देखिए कल के वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 6 में आप क्या पढ़ के आए, ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, ये पढ़ के आए ना। ठीक है, अब आपको ऐसा कोई बंदा आ गया, ठीक है, पढ़ा लिखा है उसने, 12th कर ली है, अभी कॉलेज में है, बीटा कर रहा है, उसने बोला कि चल तुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ आते हैं, एक काम कर तू ऐसे सभी पॉसिबल ग्राफ बना जिनके जो शून्यक है ना वो मान लीजिए 3 से छोटे है। ठीक है, क्या बोला, सभी संभव, वो क्या बोल रही है, संभव ग्राफ बनाइए, ग्राफ बनाओ। ठीक है, सभी संभव ग्राफ बनाओ जिनके शून्यक या फिर जिसके शून्यक, ठीक है ना, जिसके शून्यक 3 से बड़े हैं। ठीक है, क्या बोला, 3 से बड़े हैं। अब यार देखना, यहाँ पर आपका कंसेप्ट खुलता है। आपको क्या बोला कि एक द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी संभव आप ग्राफ बनाइए, क्या बनाइए, सभी संभव ग्राफ बनाइए जिसके शून्यक जो होंगे ना वो 3 से बड़े हैं। बात समझे क्या, नहीं समझे भैया मैं समझाओ। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद तो मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। अच्छा, ग्राफ ऐसे बनाने हैं किसी द्विघात के जिनके शून्यक है ना वो 3 से बड़े आने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका भैया एक निर्देशांक ज्यामिति है, ये आपका एक्स अक्ष है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मान लीजिए 3 है, यहाँ पर 3 होगा, बिल्कुल भैया यहाँ पर होगा 3। अच्छा, अब मुझे द्विघात समीकरण का ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके शून्यक हो ना 3 से बड़े हो, तो 3 से बड़े के लिए मैं ऐसे बना सकता हूँ। देखिए एक शून्यक ये है और एक शून्यक ये है, ये दोनों शून्यक 3 से बड़े हैं। हाँ भैया चलो आगे बढ़े, और भैया मैं ऐसा भी तो ग्राफ बना सकता हूँ, कैसा, ये यहाँ पर 3 है, मैं ऐसे इस तरीके से भी ग्राफ बना सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ ये अल्फा है, ये बीटा है, ये इसके दो शून्यक हो गए और दोनों शून्यक देखिए 3 से बड़े हैं। ठीक है भैया, अब थोड़े और आगे चले और आपने कुछ इस तरीके से बनाया, ये 3 है, अब आपने कुछ ऐसे बना दिया, हाँ ये भी हो सकता है भाई, इसके दो शून्य का आया, मान लीजिए दोनों शून्य कोई भी है, ये सेम है लेकिन दोनों शून्य 3 से बड़े हैं, हाँ ये भी हो सकता है। ठीक है, आपने चौथी पॉसिबिलिटीज भी देखी, चौथी पॉसिबिलिटी क्या देखी कि देखिए ये आपका 3 है कहीं ना कहीं, हाँ भैया ये आपका 3 है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि कुछ इस तरीके से भी तो ग्राफ बन सकता है, हाँ भैया ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो शून्य का है ये दोनों शून्य 3 से बड़े हैं। ठीक है, तो आपने सोच सोच कर ग्राफ बनाने की कोशिश की और जब ये सब ग्राफ बनाए ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने पैरामीटर लिखे कि इस ग्राफ के लिए भैया, इस ग्राफ के लिए ए है ना वो होगा बड़ा, इस ग्राफ के लिए ए होगा बड़ा। ठीक है, अच्छा इसके लिए ए होगा मतलब बड़ा, मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव, इसके लिए ए होगा नेगेटिव, अच्छा इसके लिए वापस ए होगा पॉजिटिव, ठीक है इसके लिए वापस ए होगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए जो हम डी की बात करते हैं भैया ना, वो डी क्या होगा, इसके लिए तो भैया होगा पॉजिटिव, ठीक है इसके लिए डी, इसके लिए भी डी होगा पॉजिटिव। देखिए मैं हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले तो ग्राफ बनाए, उसके बाद इन ग्राफों को कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करती है वो हमने लिखने की कोशिश की। यहाँ पर डी होगा भैया 0, ठीक है यहाँ पर डी होगा 0, यहाँ पर डी क्या होगा भैया, यहाँ पर भी डी होगा 0, ठीक है भैया ये भी हमें समझ में आता है। ठीक है, अब देखो यार इस 3 पर बात समझना, या फिर ये देखो ये इसका क्या है भैया, वर्टेक्स, वर्टेक्स के जो आपके बोलते हैं निर्देशांक वो क्या होता है, वर्टेक्स के निर्देशांक भैया, वर्टेक्स के निर्देशांक होते हैं माइनस का बी अपॉन 2a कॉमा माइनस का डी अपॉन 4a, यही होता है क्या, बिल्कुल भैया यही होता है। अच्छा ये इसका क्या है, एक्स निर्देशांक, तो यहाँ पर इसका जो एक्स निर्देशांक है ना वो भैया कुछ भी हो लेकिन 3 से बड़ा होगा, क्योंकि एक्स निर्देशांक ये है और ये यहाँ पर 3 है तो 3 से तो बड़े होगा बिल्कुल। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि माइनस बी अपॉन 2a जो है ना वो 3 से बड़ा होगा, यहाँ पर भी हमने ये कोशिश की, तो यहाँ पर भी देखो ये आपका माइनस बी अपॉन 2a एक्स निर्देशांक होगा वो 3 से बड़ा
बड़ा होगा तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन तीन। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी भैया वही आप लिखोगे माइनस बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन तीन। ठीक है, फिलहाल के लिए शांति रखो, थोड़ी सी इसका इसको कहानी के जैसे समझो। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये भी इसका इसको हम क्या बोलते हैं, वेवटैक्स बोलते हैं, ये भी क्या होगा माइनस बी अपॉन टू ए जो है ना वो तीन से बड़ा होगा। ठीक है भैया, इतना हमें समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अच्छा ठीक। इसी तरीके से एक और पैरामीटर हम इसमें देखेंगे, क्या भैया ये क्या है, तीन है, ठीक है ना। अब इस तीन पर देखो यार, इस तीन पर यहाँ पर कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी, हाँ भैया, और इस तीन पर जो वैल्यू आएगी ना उसे हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ तीन, मतलब एफ ऑफ तीन पर जो वैल्यू आएगी उसको फलन की वैल्यू बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है भैया, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब ए पॉजिटिव आ रहा है ना तो एफ ऑफ तीन भी पॉजिटिव है, जब ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ तीन भी पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस तीन पर, इस तीन पर इसकी वैल्यू क्या होगी, कहीं ना कहीं भैया यहाँ आकर इसे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एफ ऑफ तीन होगा, एफ ऑफ तीन अब यहाँ पर क्या आया भैया, नेगेटिव, मतलब तीन पर जो इस ग्राफ की वैल्यू आती है उसे हम एफ ऑफ तीन बोलेंगे, और एफ ऑफ तीन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, मतलब वाई का मान यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, और ए भी यहाँ पर नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ तीन भी पॉजिटिव, अगर ए नेगेटिव तो एफ ऑफ तीन भी नेगेटिव। अगर यहाँ पर देखिए वापस, अगर ए पॉजिटिव तो एफ ऑफ तीन भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो एफ ऑफ तीन, यहाँ पर देखिए ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ तीन भी वापस नेगेटिव आ जाएगा। तो इन सभी को देखकर हम ये भी एक बनाते हैं, अगर दोनों संख्या है, ठीक है ना। देखिए अब इसका मतलब समझिए, ए इंटू एफ ऑफ, मान लीजिए मैंने तीन लिखा, ए इंटू एफ ऑफ तीन इज ग्रेटर देन जीरो। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इन दोनों का गुणा हमेशा जीरो से बड़ा ही आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी जीरो से बड़े हैं, और नेगेटिव होंगे तब भी जीरो से बड़े। जैसे कि देखिए माइनस दो इंटू माइनस दो होंगे तो भी ये जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, और दो इंटू दो होंगे तब भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका डिस्कशन हमने कल ही कर लिया था, ठीक है भैया। तो ये एक और हमने कंडीशन बना दी। अब यार होता क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बोल दिया गया कि सभी ऐसे ग्राफ बनाइए पॉसिबल जिसके शून्य तीन से बड़े हो। आपको किसी ने बोल लिया, एक और दूसरा भाई आया बीटेक वाला, इसने बोला कि चलो ऐसे ग्राफ बनाओ जिसके शून्य है ना वो जीरो से छोटे हो, ठीक है। अब तीसरा और आया, उसने बोला कि चल तू ऐसे सभी ग्राफ बना जिसके शून्य है ना, या फिर जो जीरो है ना उसके दो शून्यों के बीच में रहता है, ठीक है। और ऐसा इस तरीके के और अलग अलग भाई आते रहे और आपको सवाल पूछते रहे और आपका दिमाग हैंग होता रहा, ठीक है। तो भैया इन सब के लिए देखिए यहाँ पर टाइम जा रहा है ना, खूब टाइम गया, आप भी बोर हो रहे थे, तो इन सब के लिए हमने बनाए हैं केस, ठीक है। बहुत सारे केस बनाए, बहुत सारे नहीं है, चार या पांच सी केस है, उन सभी केस को हम सीधा सीधा याद ही कर लेते हैं, समझ गए ना। अब वो कैसे केस आए वो आप समझ गए ना, इन केसेस को सबसे सीधा सीधा याद कर लेंगे, और जब भी आपको ऐसे कोई सवाल पूछ लिए जाएंगे ना तो सीधा सीधा हम वो उन केसेस को लिख लेंगे, ठीक है। बात आ गई समझ में क्या? बिल्कुल भैया हमें समझ में आ गई है, तो फटाफट हमें वो केसेस लिखवा दीजिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको शून्यकों की जानकारी दी गई होगी, क्या जानकारी दी गई होगी कि आपको ऐसा कुछ बोला जाएगा कि भैया ऐसा है के का वह मान ज्ञात कीजिए, कोई एक द्विघात समीकरण दे रखी होगी, ठीक है, उसमें एक के कोई वेरिएबल कोई आपको कांस्टेंट दे रखा होगा, ठीक है। अब के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए भैया आपके शून्य है ना वो पॉजिटिव हो, या फिर शून्य दोनों शून्य नेगेटिव हो, दो शून्य के बीच में कोई जीरो हो, इस तरीके के कुछ सवाल आएंगे, वो सवाल हम करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले केसेस है ना उनको आराम से आप लिख लो और थोड़ा सा याद करके थोड़ा समझ लो, ठीक है। पहला केस क्या है कि जब दोनों शून्य, ठीक है, जब दोनों, थोड़ा सा यहाँ पेशेंस रखना, ठीक है, जब दोनों शून्य का क्या हो, के क्या है भाई, कोई भी एक नंबर, जैसे तीन हमने लिया था ना, ठीक है ना, जैसे कि दोनों शून्य तीन से बड़े हैं तो वो तीन यहाँ पर क्या है, के। तो जब दोनों शून्य के से बड़े हो, ठीक है, दोनों शून्य के से बड़े हो, अब यहाँ पर क्या होगा देखना यार, यहाँ पर आपको देखिए, जब दोनों शून्य किसी नंबर, मान लीजिए तीन से बड़ा है, ठीक है, तब सभी के लिए डी जो है ना वो क्या आया था, या तो जीरो से बड़ा या फिर जीरो के बराबर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, जीरो से बड़ा या उसके बराबर, बिल्कुल भैया ऐसा लिख सकते हैं किसी समीकरण के लिए। मान लीजिए आपको बोल लिया कि वह ग्राफ बनाइए संभव जिसके लिए शून्य हो वो तीन से बड़े हो, तो आप ऐसा नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर यह ग्राफ एक्स एक्स को टच नहीं कर रहा है, और अगर एक्स एक्स को टच कर भी नहीं रहा है तो शून्य की तो बात पैदा होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर शून्य काल्पनिक हो जाएंगे, ठीक है ना।
इस तरीके से कुछ होता है। अच्छा पहला केस ये, दूसरा केस क्या है भैया कि माइनस बी अपॉन टू ए जो होगा ना, माइनस बी अपॉन टू है वो के से बड़ा होगा, होगा ना सभी केसेस में, हमने अभी ये देखा है ठीक है। तो माइनस बी अपॉन टू ए वो के से बड़ा हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा एक और चीज हमने देखी थी कि ए इंटू एफ ऑफ तीन, एफ ऑफ तीन क्या था यहाँ पर के, तो ए इंटू एफ ऑफ के क्या होगा भैया, हमेशा जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर a पॉजिटिव तो आपका f ऑफ k भी पॉजिटिव, अगर a नेगेटिव तो f ऑफ k भी नेगेटिव, और दोनों अगर सेम साइन के हो, एक जैसा निशान के हो, तो हमेशा उनका गुणा है ना वो क्या आता है भैया, पॉजिटिव आता है। इसको हमने कल भी देख लिया है और हमने फंक्शन में भी इसको अच्छे से पढ़ा है। और इन सब का आपको क्या लेना पड़ेगा, इन सब का आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। इन सब का इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा ना वो आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में हो ना, तो ये आपका केस हो गया। अब यहाँ पर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, बस आपको अगर ऐसा कुछ बोल दिया जाए तो सीधे सीधे आप इसको रख लेना। बात आई समझ में, बिल्कुल अच्छे से भैया समझ में आ गई है, अच्छे से हमें आ गई है ठीक है। चलो और कोशिश करना जब भी आप ऐसे सवाल करने जाएंगे, वैसे तो आज हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, जब भी हम सवाल करने जाएंगे ना तो एक बार अपनी तरफ से कोशिश कर लेना कि चलो ग्राफ कैसा कुछ होगा उसका हम देख लेते हैं। ग्राफ से थोड़ा सवाल को समझना और भी आसान हो जाता है। अब इसका जस्ट उल्टा देखो ठीक है, जब दोनों शून्य क्या हो के ठीक है ना, कोई एक नंबर है के से सॉरी के से छोटे हो ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा समझा दीजिए यार, के से छोटे हो समझाया क्या, हाँ चलो समझते हैं। देखिए क्या होगा, अब सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पर भी जो है ना डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, बस ये होगा। साथ ही साथ माइनस बी अपॉन टू ए है ना वो आपका होगा लेस देन के, भैया जो वर्टेक्स होगा ना वो के से तो पीछे ही जाएगा ना, बात समझ रहे हो क्या भैया। अगर आपको फील नहीं आए तो मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा। और यहाँ पर ए इंटू एफ ऑफ के होगा ना वो क्या होगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होगा ठीक है। और इन सब का क्या लेना, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों में क्या अंतर है, बस यहाँ पर ही अंतर है, जो वर्टेक्स होगा जो शीर्ष होगा ना वो के से यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर छोटा है, बाकी दोनों केसेस में सेम है। कैसे भैया, अगर यहीं पर आपको बोल दिया गया होता कि आप ऐसे ग्राफ बनाइए जिसके लिए जो है ना, जिसके लिए क्या होगा कि जो आपका ग्राफ है ना, जो आपके शून्य का ना वो जीरो से छोटे हो ठीक है ना, जिसके लिए दोनों शून्य जीरो से क्या हो, छोटे। तो जीरो यहाँ पे होता है, दोनों शून्य जीरो से छोटे हो, तो ये हो सकता है ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, यही पे बना हो गया। दूसरा हो सकता है भैया इसको टच करता हुआ, कैसे ये इस तरीके से इसको टच करता हुआ, हाँ दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा कैसा हो सकता है भैया, तीसरा हो सकता है ऐसे ऊपर मूव करते हुए बिल्कुल, और चौथा हो सकता है इसको ऐसे टच करते हुए, तो ये तीसरा हो गया और ये हो गया चौथा। बात आगे समझ में, ये है आपका जीरो। तो चार आपने ग्राफ बना ली है। अब देखो यार यहाँ से क्या होगा भैया, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर शून्य का जो ग्राफ है वो एक्स एक्स को अगर काट रहा है तो डी हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और टच भी कर रहा है इसका मतलब डी जीरो के बराबर भी होगा, तो ये मैंने लिखा है d greater than equals to 0 ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, यहाँ इसका x ये सिर्फ है, ये भी सिर्फ है, ये भी सिर्फ और ये भी सिर्फ, इसके x निर्देशांक क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन टू है। और ये देखिए जीरो से छोटा है, जीरो हम क्या मान सकते हैं, k, तो देखिए ये भी k से छोटा, ये भी k से छोटा, ये भी k से छोटा और ये भी k से छोटा, ये आपका हो गया ठीक। इसी तरीके से भैया a क्या है, यहाँ पर देखिए इसका, इसको देखो यार ठीक है, ये आपका एक क्या था भैया, ए था अगर नेगेटिव, ये इसके लिए नेगेटिव होगा, और एफ ऑफ के क्या, ए भैया जीरो, देखिए तो ये देखिए ठीक है ना, ये आपका कहीं ना कहीं जीरो होगा, तो एफ ऑफ जीरो पर सॉरी जीरो पर एफ ऑफ जीरो कितना आएगा भैया, नेगेटिव, और ए भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन के तो पॉजिटिव ठीक। इसी तरीके से इसका भी होगा ठीक, इसी तरीके से अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव, देखो एक्स से वाई से ऊपर आ गया, और अगर यहाँ पर भी ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव आ रहा है। बात आ गई समझ में क्या, हाँ भैया अच्छे से समझ में आ गई है। थोड़ा सा हमें है ना जो फिल्म है ना हमारे दिमाग में वो फिल्म चल रही है कि चलो ऐसा कुछ होता होगा ठीक है, बात हमें थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है बिल्कुल। चलो चलो तो यार अब हम केस थर्ड लेते हैं, केस थर्ड इन दोनों का कॉमन होगा, कॉमन कैसे भैया इसको समझते हैं। देखो यार यहाँ पर क्या बोला है कि एक शून्य के से बड़ा है ठीक है ना, चलो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका कहीं ना कहीं के है, इसको के वन मान लो, एक तो के वन से बड़ा, और यहाँ पर क्या है के टू से छोटा, मान लीजिए के टू क्या है ये ठीक है ना, तो K1 से बड़ा और K2 से छोटा, मतलब दोनों शून्य K1 और K2 के बीच में हो ठीक है ना, बात समझ में आ गया, हाँ तो आप लिखोगे जब दोनों शून्य K1
एन के टू के बीच हो, ठीक है ना, बीच में हो। बात आ गई समझ में? बिल्कुल भैया, हमें बात समझ में आई रही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यार यहाँ पर किस तरीके से होगा। आपने क्या किया भैया, जब दोनों के लिए हमने बात की, इन दोनों का आपको लेना है क्या, बोल सकते हैं कि यूनियन लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी दोनों जगह क्या है, जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, अब इसका लेंगे इंटरसेक्शन। इसके बाद यहाँ पर देखो, ये के वन से बड़ा है और ये के टू से छोटा है, बात समझे क्या, ये तो के वन से छोटा है और ये है के टू से बड़ा, सॉरी ये है के वन से बड़ा और ये है के टू से छोटा। ठीक है, तो देखिए दोनों शून्य के वन और के टू के बीच में हो, तो ये के वन आ गया, के वन से बड़ा होगा, माइनस बी अपन टू है, के वन से बड़ा और के टू से छोटा होगा। बात ये समझ में आ गई क्या? हाँ भैया ये समझ में आ गई, सिंपल सा है ना। तो यहाँ पर देख लो, ये के से बड़ा है और ये के से छोटा, इसको मान लीजिए के वन और इसको मान लीजिए के टू। तो ये देखिए के वन से तो बड़ा हो गया और के टू से हो गया छोटा, ठीक है ना। इन दोनों का आप बोल सकते हैं कि इन दोनों का मिलाप यहाँ पर आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, ये क्या था, ए इंटू एफ ऑफ के वन, ठीक है ना, ये क्या है आपका के वन। ठीक है, तो आप लिखोगे ए इंटू एफ ऑफ के वन इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है भैया, ये होगा। साथ ही साथ एक और इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे पांच आएंगे, आपका पांचवा क्या होगा, सॉरी चौथा क्या होगा, ए इंटू एफ ऑफ के टू। भैया के वन भी, ए इंटू एफ ऑफ के वन भी जीरो से बड़ा है और ए इंटू एफ ऑफ के टू भी जीरो से बड़ा है, तो ये इस तरीके से आप कुछ लिख लोगे। समझ में आ गया क्या? तो ये है आपका केस नंबर थर्ड। ठीक है, इसको भी आप याद कर लेना, केस वन, केस टू और केस थ्री। इसके ऊपर बहुत से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सवाल बनकर आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो अब सवाल कैसे किस तरीके से बनकर आते हैं, उसको हम सबसे पहले सवालों को करेंगे, उसके बाद केस फोर्थ और केस फाइव भी है, लेकिन सबसे पहले इनके सवालों को करते हैं और इनके कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है, चलो तो देखिए कुछ इस तरीके के आपको सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब इनको कैसे करना है, किस तरीके से सोचना है, वो देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए माइनस वन एक्स प्लस टू ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो के धनात्मक शून्य का है, तो ए के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो ये समीकरण दे रखा है ना आपको, द्विघात समीकरण, इसके जो दोनों शून्य है ना वो धनात्मक है। अब दोनों शून्य धनात्मक होने का मतलब क्या है, कि दोनों शून्य का जीरो से बड़े हैं, ठीक है ना। तो केस पहला लग रहा है ना, कौन सा केस है, कि जब दोनों शून्य केस से क्या हो, बड़े हो। ठीक है, अब यहां तो, अब यहां पर आपके पास दो है कि एक बार आप ग्राफ बना लो और सोच लो, अच्छा कि दोनों शून्य है ना ये जीरो से बड़े होंगे, तो कुछ इस तरीके का बनेगा, या ऐसे या फिर कुछ ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है ना, ये आपके पॉसिबिलिटीज है। अब इसके लिए भैया जो हमने सीखा है वो क्या है, देखिए इसका सॉल्यूशन करने जाते हैं। सॉल्यूशन नंबर वन क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन ये है, इसका इंटरसेक्शन हम लेते हैं किसके साथ, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं माइनस बी अपॉन टू ए, बड़ा है ना, तो के से बड़ा हो जाएगा, के क्या है यहाँ पर जीरो, ठीक है, यूनियन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, ए क्या है भैया ए, तो इसका जो होगा वो, और इंटू एफ ऑफ के कितना है भैया जीरो, इज ग्रेटर देन जीरो। बात आगे समझ में क्या, के यहाँ पर क्या है, के है यहाँ पर जीरो, ये आपको पहचानना पड़ेगा। कैसे है जीरो, क्योंकि दोनों शून्य धनात्मक है, धनात्मक होने का मतलब क्या है कि वो जीरो से बड़े हैं, ठीक है ना। तो ये आपका केस हो गया। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं डी, डी को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए माइनस वन इंटू एक्स, यही दे रखा है क्या, हाँ, प्लस टू इंटू ए, टू इंटू ए प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर ए बी सी आपको सब पता ही है, ठीक है, तो डी क्या होता है भैया, डी होता है बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। ठीक है, अब देखिए यार बी स्क्वायर माइनस चार ए सी जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी क्या है भैया, माइनस का दो इंटू ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस चार इंटू ए क्या है, ए भैया वन है, यहाँ पर सी क्या है टू इंटू ए प्लस का वन, आगे बात समझ में, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको सॉल्व करो तो चार इंटू ए माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया और माइनस का चार इंटू टू ए प्लस का वन इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। असमीकरण तो शायद तक आपको सॉल्व करनी आती होगी, इसको सॉल्व करें क्या, हाँ, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू इंटू ए, ठीक है, माइनस का एट ए माइनस का चार इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो फोर ए प्लस फोर माइनस का एट ए
माइनस का 8 ए माइनस का 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से 4 कट गए तो यहाँ से कितना मिला भैया, सॉरी ये 4 ए स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा तो 4 ए स्क्वायर माइनस का 16 ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भैया 4 इंटू ए ब्रैकेट में ए माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना बात आपको आ गया समझ में? बिल्कुल भैया हमें इतना बात तो समझ में आ गया है। कुछ नहीं किया, असमीका सॉल्व किया, और असमीका सॉल्व तो आपको करनी आनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें क्या ढंग से, और ठीक है भैया देखिए यहाँ पर शून्य कौन कौन से बने, एक तो 0 और एक क्या है 4, शून्य बनाने आपके आप आते होंगे, ये 0 है और एक 4 है, 4 से जैसे ज़्यादा लिया तो मान लीजिए 5 लिया, तो 5 ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों के बीच में मान लीजिए 3 ले लिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव, ठीक है। क्या लेना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला भाग लेना है, ये वाला आपने ले लिया, इस तरीके से कुछ होगा ना। तो ये तो आपका सिर्फ पहला इस डी वाले से बना है, अब बनाते हैं हम किससे, इस वाले से, ठीक है। देखना यार थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए माइनस का बी अपॉन टू ए, ठीक है, माइनस का बी अपॉन टू ए इज ग्रेटर देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 0 है। बी कितना है भैया, बी है माइनस का 2 इंटू ए माइनस का 1। आप एक काम करना, स्टार्ट में जब करो ना तो इस समीकरण को लिखने के बाद ही ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, इसको अलग से लिख लेना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1 है, इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से देखिए माइनस से माइनस तो हो गया आपका काम, ये आपका 2 से 2 कट गए, तो ए माइनस 1 इज ग्रेटर देन कितना जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से a इज ग्रेटर देन आ गया है 1, ठीक है, a एक से बड़ा है, a आ गया है एक से बड़ा, ठीक है, एक आपका दूसरा तो ये आ गया। अब तीसरा लेते हैं a इंटू एफ ऑफ 0, a इंटू एफ ऑफ 0, ठीक है, इसको लेने जाएगा, हाँ इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर भी, जिससे भैया हमें समझ में आ जाएगा a इंटू एफ ऑफ 0। अब देखिए a क्या है, a यहाँ पर 1 है, a हमेशा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, तो a तो है आपका 1 इंटू एफ ऑफ 0 क्या, तो एक बार एफ ऑफ 0 हम निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 0 मतलब ये, इसको मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह 0 रख लीजिए, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये कितना है 2a प्लस 1, तो एफ ऑफ 0 2a माइनस 1 है, तो 1 इंटू एफ ऑफ 0 कितना जाएगा 2a प्लस 1, और ये क्या है भैया 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 2a प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल सॉरी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से भैया वही बात है कि a कितना मिलेगा ग्रेटर देन माइनस का हाफ, ठीक है, a कितना मिल गया ग्रेटर देन माइनस का हाफ, ठीक है। तो इसका किस तरीके से कुछ बनेगा, इसका बनेगा माइनस का हाफ और इससे यह बड़ा, ठीक है। और ये वाला क्या था भैया, एक से बड़ा, क्या था एक से बड़ा, कुछ इस तरीके का होगा क्या, हाँ भैया। अब हमें फाइनली आंसर निकालना है, अब ये तो हमने अलग अलग निकाले, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन लेना आपको आता है या नहीं आता, बिल्कुल भैया अच्छे से हमें आता है, हम सीखे हैं आपसे ही, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो तो देखिए सभी का इंटरसेक्शन लेते हैं, सभी का इंटरसेक्शन लेते तो ये क्या है 0 और ये है आपका 4, ठीक है, इसके बीच में 1 है और यहाँ पर है माइनस का हाफ, ये क्या है भैया 0 से लेकर पीछे और ये आगे, ठीक है, और ये 1 से आगे, ठीक है, और ये क्या है भैया माइनस का हाफ से आगे, माइनस का हाफ ये इससे आगे। अब देखिए इन सभी का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इन सभी का इंटरसेक्शन आ रहा है ये वाला, क्या आ रहा है यह वाला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया भैया, फाइनल आंसर की अगर हम बात करें ना तो फाइनल आंसर हमारे पास आया है, फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है भैया, 4 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ए है ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 4 से इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है, आगे बात समझ में क्या, हाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है बिल्कुल सिंपल, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है सिंपल, कंसेप्ट तीन ही है, तीन कंसेप्ट क्या मतलब तीन ही वैल्यूज आपको निकालनी है, एक तो डी वाला, एक माइनस बी अपॉन टू ए और एक आपका ए इंटू एफ ऑफ के, ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखते हैं दूसरा सवाल, अब ये लेस देन वाला है, इसको भी कह लेते हैं यार, है ना इजी, बहुत ही इजी है यार, ठीक है ना, आप कोई सी भी बुक उठाकर देख लेना, उसमें इस तरीके के सवाल है ना, बिना देखे उसको करने की कोशिश करना, आपको अच्छे खासे फटाफट आपके जो इसका आंसर है ना वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो देखिए, यदि समीकरण ये आपको दे रखा है कि दोनों शून्यक एक से छोटे हो, अब दोनों शून्यक एक से छोटे हैं, ठीक है, बात आई समझ में। तो केस टू है, केस टू में होता क्या भैया, केस टू में ये होता है कि डी है ना, सॉल्यूशन बात करते हैं हम किसकी, सेकंड की, डी है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, साथ ही साथ और क्या होता है भैया, इसका इंटरसेक्शन होता है माइनस बी अपॉन टू ए, ये होता है लेस देन के, के यहाँ पर कितना है 1 ही है क्या, हाँ ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन होता है किसके साथ भैया, ए इंटू एफ ऑफ के साथ, के कितना है 1, ठीक है ना, तो ये होगा 0 से बड़ा,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आता है, बात आई समझ में? ठीक है, अब हमें वापस निकालना पड़ेगा डी। डी क्या है? सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो, यही दे रखा है ना? बिल्कुल। ठीक है, अब यहां से देखिए डी क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस चार इंटू ए इंटू सी। ठीक है, अब ये है आपका जीरो के बराबर या उससे बड़ा। ठीक है भैया, जीरो के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है ना, ये आपका हो गया काम। अब देखिए बी आपको कितना मिला, दे रखा ए, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर ये आपने कर दिया। अच्छा, माइनस छः इंटू ए कितना भैया, वन इंटू सी कितना है, सॉरी ए आपका ए ही है, ए आपका ए ही है, सी कितना है आपका वन है। ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आ रहा है समझ में? बिल्कुल। तो ए स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इज ग्रेटर देन जीरो, तो ए यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ए माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसको बनाते हैं हम, तो यहाँ पर आएगा क्या आएगा, एक तो इसके शून्य का आ गया जीरो, एक इसका आ गया चार, तो जीरो और चार इसका आ गया। अब जैसे चार से ज़्यादा आ गया, मान लीजिए पाँच ले लिया, तो पॉजिटिव आएगा आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ गया मान लीजिए तीन ले लिया, तो नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव, अब ये आपका आ जाएगा वापस पॉजिटिव। ठीक है, अब आपको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए ना, तो आप ये डायरेक्ट सर्कल करके ले लोगे। आगे बात समझ में? ये आपका है पहला केस। दूसरा केस लेते हैं हम, देखना जरा, इसको लेते हैं माइनस बी अपॉन टू ए इज लेस देन वन, ये होगा क्या भैया, एक से छोटा बोला ना, तो लेस देन वन हो जाएगा। ये इसका वर्टेक्स है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वो एक्स से होगा, सॉरी एक से होगा कम, माइनस बी, बी कितना भैया ए, ठीक है, अपॉन टू इंटू ए कितना है भैया आपका, ए कितना भैया ए, ठीक है, इज लेस देन वन, तो यहाँ से भैया एक से ए से ए कट गया, तो माइनस हाफ इज लेस देन वन। अब यहाँ आकर जो है ना, मैक्सिमम मेरे छोटे भाई जो बहन है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भैया ये क्या आ गया, यहाँ पे ए की तो कोई वैल्यू आई नहीं, तो यहाँ पे इसको यार समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या आया कि जो माइनस हाफ है ना, वो एक से छोटा है, क्या ऐसा होता है? हाँ भैया, क्या ऐसा होता है कि माइनस हाफ एक से हमेशा छोटा होता है, हमेशा छोटा होता है, तो आप यहाँ पर लिखोगे ऑलवेज टू, ठीक है ना, क्या लिखोगे ऑलवेज टू, मतलब यहाँ पर अगर आप ए और बी की कोई भी मान रख लो, ए का कुछ भी मान रख लो, ये हमेशा ट्रू ही होगा। ठीक है, तो ऑलवेज ट्रू, तो इसको तो हमें गिनने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, इसको तो हमें गिनने की जरूरत है ही नहीं। अगर कुछ ऐसा आया होता, क्या अगर कुछ ऐसा आया होता कि यह ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन माइनस हाफ इज ग्रेटर देन वन है, तो ये क्या होता भैया, ये कभी हो ही नहीं सकता है ना, तो इसको हम नेगलेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर तो ऑलवेज टू आया है, मतलब आर, ठीक है ना, ए बिलोंग्स टू, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, मतलब आर की हर एक वैल्यू के लिए ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। आगे बात समझ में? ठीक है, और जब इसका इंटरसेक्शन किसी के साथ लेने जाएंगे तो वही आएगा, समझ गए बात? अच्छा, अब देखते हैं ये वाला केस। ठीक है, तो देखो यार, ये वाला केस हम देखें तो यहाँ पर बहुत भी सिंपल सा है, पहले एफ ऑफ वन निकाल ले क्या, हाँ, तो एफ ऑफ वन कितना होगा यार, एफ ऑफ वन कितना होगा, देखिए क्या यहाँ पर वन निकले, तो ए प्लस वन, ठीक है, तो एफ ऑफ वन आपको मिला है टू ए प्लस का वन, यही मिला है क्या? बिल्कुल भैया यही मिला है, कोई डाउट है ही नहीं, है क्या? नहीं है। अच्छा, अब ए कितना है भैया, ए इंटू एफ ऑफ वन, ठीक है, तो ए कितना है भैया, ए आपका ए है, ए आपका क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज में ना होना कि हमें कि भैया ने ए को ए ही लिया, ए वाला कौन सा है, ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ए है ना, वो वाला, और यहाँ पर तो ए हमें दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज ना होना, तो ए इंटू एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन कितना है, टू ए प्लस वन, ठीक है, इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से भी आपको दो मिले, क्या, एक तो ए का शून्य कौन से मिले, दो मिले, ठीक है, एक तो मिला जीरो और एक मिला है माइनस का हाफ, माइनस का हाफ ही होगा ना, शून्य निकालने आपको आते हैं क्या, दो ए प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होगा, तो यहाँ से ए का मान माइनस का हाफ आ जाएगा, यहाँ से ए का मान आ गया जीरो। ठीक है, अब देखो यार, जीरो से आपने ज़्यादा गए, कुछ भी ले लो, मान लीजिए दस ले लो, तो ये दस इंटू दो बीस और इक्कीस और दस, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आओ, ये आपका है माइनस का हाफ और ये जीरो, आप कुछ ऐसा ले लो, मान लीजिए ले लीजिए माइनस का तीन, ये इन दोनों के बीच में है, हाँ सॉरी माइनस का पॉइंट तीन, तो देखिए ये माइनस का पॉइंट तीन, माइनस का पॉइंट तीन और ये आपका माइनस का पॉइंट तीन, माइनस का पॉइंट तीन और दो, माइनस का पॉइंट छः और प्लस एक, ये आपका हो गया पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस के हाफ जो है ना, उससे और छोटा लिया, मान लीजिए माइनस का एक ले लिया, तो यह आपका माइनस का, यह भी आपका माइनस का, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। आपको क्या क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका ये आप बोल सकते हैं कि ओपन सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, होलो सर्कल करके आप इस तरीके से लिख लोगे। तो यहाँ से भैया हम फाइनल आंसर अब निकालने जाते हैं, इन दोनों का, तीनों का फाइनल आंसर निकलेगा। तो देखो यार, फाइनल आंसर कैसे निकालोगे, ये आपने बना लिया एक क्या बोलते हैं इसको, संख्या रेखा बना ली, नंबर लाइन, अब ये है आपका आर।
अच्छा ये आ किसके लिए लिया आप बता सकते हो क्या? इसके लिए लिया, बात समझे क्या? ये आ किसके लिए लिया? इसके लिए, ठीक है। एक्स की आर की एक्स सॉरी ए की हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाइड होगा। अब ये देखो यार, ठीक है, ये क्या है? जीरो, ये कितना है? चार। अच्छा यहाँ पर कितना है? ये है एक माइनस का हाफ, और ये कितना है आपका? जीरो, ठीक है। इतना बात हमें आया समझ में। ये कहाँ से कहाँ तक है भैया? जीरो से लेकर इसके माइनस इनफाइनाइट तक, और ये है चार से लेकर प्लस का इनफाइनाइट तक, और ये कितना है भैया? माइनस हाफ से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है। और ये है भैया जीरो से लेकर कहाँ से भैया? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक प्लस का। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर कॉमन देखने की कोशिश करो या कॉमन लेने की कोशिश करो यार, आएगा आपको समझ में, आएगा कहीं नहीं जाएगा भैया, समझ में आएगा, ठीक है। देखो कॉमन लेने की हमने कोशिश की तो भैया इन तीनों को कॉमन यहाँ पर जो क्या आ रहा है, ये वाला है ना, बिल्कुल भैया ये वाला, ये वाला आ रहा है यहाँ पर इन तीनों का, ये वाला आ रहा है। बात आई समझ में? बिल्कुल भैया। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू, ठीक है ना, क्या लिखेंगे? माइनस का इनफाइनाइट। हाँ माइनस का इनफाइनाइट से कहाँ तक है भैया? माइनस का हाफ तक है, ठीक है। माइनस का इनफाइनाइट से माइनस का हाफ, तो ये इसके ऊपर ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यूनियन लिखा जाएगा, और ये क्या है भैया? चार से लेकर प्लस का इनफाइनाइट, चार के ऊपर क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट, ठीक है, और सॉरी क्लोज ब्रैकेट, और ये आपका आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है इस तरीके से। बात आ रही है समझ में क्या? हाँ भैया बात समझ में आ रही है क्या? ये आपके कैमरे में आया या नहीं आया मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल 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 राइट है, एकदम सही सही ठिकाने पर मैंने लिखा है। आगे ही ना बात समझ में, ठीक है सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सिंपल है लेकिन लेंथी है, लेकिन लेंथ का तो सवाल बनता ही नहीं है भैया। अगर सिंपल है हम आराम से कर सकते हैं, ऐसे सवालों को उखाड़ सकते हैं ना, कोई डाउट है ही नहीं। कोई है डाउट क्या? नहीं है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल यार, देखते हैं तीसरा सवाल, समझना यार बातों को। है बिल्कुल सिंपल, बस आपको फील आना चाहिए कि ओ भैया कुछ ऐसा होता है, हम आज समझे हैं इसको, ठीक है। तो देखो यार तीसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, आपको क्या बोला है कि यदि समीकरण ये है, इसके दोनों शून्य के अंतराल जीरो और तीन में स्थित है, तो भैया ए के मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर आप देखो भैया, एक समीकरण आपको दे रखा, कौन सा? द्विघात समीकरण। इसके दो शून्य है, हाँ भैया, और दोनों शून्य किसके बीच में है? जीरो और तीन के बीच में है। अंतराल जीरो और तीन, कोई एक अंतराल है, ये आपकी संख्या रेखा है ना, ये आपका अंतराल है जीरो और तीन। अब इसके दोनों शून्य जीरो और तीन के बीच में, तो हो सकता है इस तरीके से कुछ हो, ठीक है, हो सकता है इस तरीके से कुछ हो, हो सकता है इस तरीके से हो, या फिर हो सकता है इस तरीके से हो, लेकिन है जीरो और तीन के बीच में, है जीरो और तीन के बीच में। तो हम कौन सा केस लगाएंगे? थर्ड वाला केस लगाएंगे। कौन सा केस? थर्ड वाला। अब थर्ड वाला केस कौन सा था भैया, बता दो, बता तो दो, ठीक है। चलो तो थर्ड वाला केस की हम बात करता है, हम बात करते हैं थर्ड वाला केस की। आपका क्वेश्चन थर्ड, केस थर्ड वाला, ठीक है। केस थर्ड वाला भैया हम बात करते, तो ये क्या था? डी है ना, वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गई, ठीक है भैया। इसका इंटरसेक्शन भी लेंगे हम, ये आपका के वन से बड़ा माइनस बी अपॉन टू ए होगा, और यह के टू से छोटा होगा, ठीक है ना। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ भैया? इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटू एफ ऑफ के वन, ठीक है, और इसका भी इंटरसेक्शन किसके साथ लेंगे? ए इंटू एफ ऑफ के टू, ठीक है भैया। हाँ यही था, हमें याद आ गया, यही था, हमें याद आ गया, भूल गए थे, ठीक है, वापस प्रॉपर्टी में डाल दिया, आ गया याद। अच्छा अब चलो एक बार थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। ये के वन क्या है भैया? के वन है ना, के वन जो है ना वो जीरो है, ठीक है भैया, जीरो से बड़ा, ठीक है, और तीन से छोटा, ठीक है भैया। ये आपका जीरो है और ये है आपका तीन। आगे की बात समझ में? बिल्कुल भैया। तो हम सबसे पहले निकालेंगे डी, सबसे पहले क्या निकालेंगे, सॉरी भाई, सबसे पहले निकालेंगे डी, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस दो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस दो इज इक्वल टू जीरो, क्या यही है? कोई डाउट है? नहीं है डाउट, कोई डाउट है? नहीं है डाउट, ठीक है। अब यहाँ से हम डी निकालने गए, देखिए डी होता क्या है, वापस लिख लीजिए, बी स्क्वायर माइनस चार ए सी। सभी खेल इसमें शून्य को का ही है, मैंने कल के वीडियो में भी बोला है, आज भी बोल लेता हूँ, सभी खेल शून्य को का ही है, ठीक है। तो देखिए बी स्क्वायर माइनस चार इंटू ए इंटू सी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बी यहाँ पर क्या है भैया? ए, ए का स्क्वायर माइनस चार इंटू ए कितना है? वन, और बी कितना है आपका, सॉरी सी कितना है? दो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। हाँ अच्छा यहाँ से देखिए, ए स्क्वायर माइनस का एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब इसका जो है ना आपको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा भैया? इसको हम ऐसा लिखे क्या, ए माइनस रूट एट इंटू ए प्लस रूट एट, ये भैया क्या लिखा है? इसको आप कुछ इस तरीके से देखो,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही लिखा है क्या मैंने? हाँ भैया यही लिखा है, लिखा तो है यही। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया इसको हम आगे और ऐसे इस तरीके से लिख सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं संख्या रेखा पर, लिख लेते हैं इसका शून्य क्या आ गया भैया, प्लस का 2√2, इसका कितना आया माइनस का 2√2, तो माइनस का 2√2 और ये है प्लस का 2√2। आ गया समझ में? ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं भैया, जब हम 2√2 से ज़्यादा लेंगे, ये कितना है समथिंग 2 × 1.4, कितना होता है भैया आपका 1.4 × 2, मतलब 3 के समथिंग होता है क्या? हाँ 3 के समथिंग होता है कुछ, ठीक है। तो 3 से मान लीजिए आपने ले लिया ज़्यादा, 6 ले लिया, तो 6 प्लस समथिंग क्या आएगा पॉजिटिव, और ये भी क्या आएगा 6 − 3 2.8 समथिंग ऐसा कुछ होता है, ठीक है 2.8, तो 6 − 2.8 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। इन दोनों के बीच में ले लिया, ये है माइनस का 2.8 का समथिंग, देखिए रूट टू होता है 1.4 कुछ इस तरीके का होता है, और ये 2 हो जाएगा, ये 2.8 के समथिंग होता है, ठीक है। तो 2.8 माइनस का है और ये है प्लस का 2.8, इन दोनों के बीच में मान लीजिए आपने ले लिया 0, क्या ले लिया 0, तो ये आपका हो गया 0, ये भी 0 हो गया, तो माइनस का एंड प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब इससे हमने ले लिया छोटा, तो ये आपका पूरा माइनस का आ जाएगा, ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा पूरा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, आगे बात समझ में? ठीक है। अब आपको ग्रेटर देन 0 बोला है ना, तो इस तरीके से आप चले जाओगे। हाँ भैया आगे हमें बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस ले क्या, ठीक है, क्या बोला है आपको, 0 से बड़ा माइनस बी अपॉइंट टू है, माइनस बी, बी क्या है भैया ए, अपॉइंट टू इंटू ए कितना भैया 1 ही है, ये 3 से छोटा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है भैया, कैसे सॉल्व किया जाता है, डबल इनइक्वालिटीज क्या सॉल्व करने आती है, अगर नहीं आती है तो समझिए, ठीक है ना। एक काम करते हैं, देखिए सिंपल सा है, आपके पास दो मेथड है, क्या मेथड है, पहले तो इन दोनों को लो, 0 इज ग्रेटर देन, सॉरी 0 इज लेस देन माइनस ए अपॉन टू, इसको ढंग से लिखे तो माइनस ए अपॉन टू इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर दो, क्या है माइनस ए अपॉन टू इज लेस देन 3, तो यहाँ से भैया ए इज ग्रेटर देन माइनस का 3 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके इनका कॉमन ले लो, पहला तो आपके पास रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है कि दोनों में कॉमन कॉमन चेंज करते जाओ ना भैया, एक काम करो सभी जगह है ना 2 से गुणा कर दो, तो यहाँ पर 2 से गुणा किया तो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 से गुणा किया तो ये 2 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 6। अच्छा 2 से प्लस 2 से गुणा किया है मैंने, प्लस 2 से गुणा किया इसका मतलब निशान नहीं बदलेगा असमीका का। अब हम माइनस से गुणा करते हैं, माइनस 1 से, तो माइनस से इसको गुणा किया भैया निशान बदल जाएगा, ठीक है भैया, ये तो 0 होगा, किसी भी संख्या को इसे 0 से गुणा करो ये तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पर निशान बदल जाएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या से गुणा किया है, ये आपका माइनस 1 से इसको गुणा किया तो ये आपका आ गया प्लस का 1, प्लस का ए आ गया, और ये आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है। क्या किया आपने, माइनस के 1 से गुणा किया है, ठीक है, तो भैया ए क्या आया है, ए आया है माइनस के 6 से 0, बात आई समझ में आ गया? हाँ भैया बात समझ में आ रही है हमें, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, आया है ना, हाँ ठीक है भैया, इतना तो हमें आ गया है। अब हम लेते हैं ये वाला केस, आ गया ना, चलो तो एफ ऑफ 0 हम लेकर देखते हैं कितना है, एफ ऑफ 0 कितना है, यहाँ पर रखिए 0, एफ ऑफ 0 आ जाएगा 2, ठीक है, एफ ऑफ 0 2 हो जाएगा, और ए कितना है भैया, ए है आपका 1 × 2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, 1 × 2 इज ग्रेटर देन 0, 1 × 2 इज ग्रेटर देन 0, 1 क्या है a, और f ऑफ 0 कितना है 2, तो ये कितना आ गया इज ग्रेटर देन 0, तो ये है आपका ऑलवेज ट्रू, ठीक है, तो a बिलोंग्स टू r, ये हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब हम लेते हैं ये वाला, f ऑफ 3 निकालते हैं, तो f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, देखिए f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ये है आपका 9, ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करते हैं, f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए इंटू 3 प्लस का 2, ये कितना आ जाएगा भैया आपका 3a प्लस का 11, ठीक है, 9 और 2 11 हो जाएगा, तो f ऑफ 3 3a प्लस का 11 आ गया। अच्छा अब a कितना, a तो भैया 1 ही है, ठीक है, a तो भैया 1 ही है, ठीक है, तो भैया 1 × f ऑफ 3, f ऑफ 3 कितना है 3a प्लस का 11 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो यहाँ से a है ना वो कितना आ गया इज ग्रेटर देन माइनस का 11/3, ये आपका केस आ गया है। तो 1, 2 ये आपका 3 और ये आपका 4, कितने केस आ गया भैया 4 केस आ गया, यहाँ पे कितने हैं 1, 2, 3 और 4, आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम निकालने जाते हैं फाइनल आंसर, अब हम निकालने जाते हैं फाइनल आंसर, ठीक है ना, चलो यहाँ पे फाइनल आंसर निकालते हैं। देखिए मैंने बोला है ना थोड़ा लेंथ ही तो है,
लेंथी तो है ठीक है, लेकिन है इजी। तो सबसे पहले हम करेंगे संख्या रेखा का निर्माण, ठीक है, उसके ऊपर इसको रखेंगे, कितना है माइनस का 2√2 और ये है आपका प्लस का 2√2, ठीक है। अब इसको देखिए यार, ये है माइनस का 6 और ये 0, ठीक है, तो माइनस का 6 यार इससे तो कम ही होगा, क्योंकि ये तो कितना है माइनस का 2.8 है और ये है आपका माइनस का 6, तो माइनस का 6 समथिंग कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है, और 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है भैया, ये बात भी आई हमें समझ में, आई है क्या? हाँ ठीक है। अब ये है आपका आर, ये तो हो गया आपका, ये है आपका माइनस का 11/3, ये कितना आएगा 3 point something आएगा, ठीक है ना, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो 3 point something आएगा, मतलब माइनस का 3 point something आएगा, और ये कितना माइनस का 2 point something, तो माइनस का 3 point something ये यहाँ पर आ जाएगा। आगे बात समझ में, हाँ भैया बात हमें समझ में आ गई है। अब सभी को हम लिखते हैं, ये क्या था भैया, ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है ना, अच्छा, अब ये क्या था, माइनस का 6 से 0, माइनस का 6 से ये आपका 0, ठीक है भैया, और साथ ही साथ एक तो आपका आर है ही, ठीक है, एक तो भैया आर है ही, ठीक है, और क्या था, माइनस का 11, माइनस का 11 से ज़्यादा, इस तरीके से कुछ, तो कुछ ना कुछ कॉमन यहाँ पर दिख रहा है यार, ये वाला कॉमन देख लीजिए यार, हाँ 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 ये हमें कॉमन दिखा भैया, ये हमें कॉमन दिख गया ना, ठीक है। तो ए आपको क्या दिखा है, ए बिलोंग्स टू माइनस का 11/3 से माइनस का 2√2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे। बात आगे समझ में, देखिए एक ये दो और तीन और चारों केस मैंने बना लिए, चारों केस का इंटरसेक्शन मैंने लेने की कोशिश की, तो देखिए कोशिश करना, देखिए चार आपको बोल सकते थे कंडीशन दे रखी थी, तो चार लाइन बननी चाहिए, तो चारों लाइनों का इंटरसेक्शन आया, 1, 2, 3 और 4, काम हो गया ना, अच्छे से काम हो गया है और हमें समझ में भी आ गया है, ठीक है यार। तो ये फोर्थ सवाल जो है वो बाकी रह गया है, क्यों बाकी रह गया, क्योंकि भैया स्पेस थोड़ा फुल हो गया है, 40-45 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो इस वीडियो को हम इस सवाल को हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगले लेक्चर में भैया दो आपके कंडीशन और बाकी है, 3 कंडीशन की है, 2 और बाकी है, और इंपॉर्टेंट कुछ सवाल और बाकी है, तो उसको अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, और जो आज सवाल कर रहा है, आज जो कंडीशन कर रहा है ना, उनके ऊपर जहां से भी सवाल मिले उसको फोड़ दीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए यार पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, थैंक यू।